मूवी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जो कुछ दिनों के लिए शहर से अपने गांव के घर में रहने आते हैं। दरअसल उन्हें अपने उस घर को बेचना रहता है और वह क्लाइंट के सामने अपने घर का इम्प्रेशन जमाना चाहते थे ताकि उनको लगे कि वो घर परिवार के रहने के लिए बहुत अच्छा है। और इस फैमिली में तीन लोग रहते हैं, पीटर, उसकी बीवी मिचेल और उसकी बेटी एमी। सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। एमी को इस जगह से बहुत प्रॉब्लम रहती है क्योंकि यहाँ उसे अपने मन का कुछ भी करने को नहीं मिल रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज किस्म की लड़की रहती है। और उसके पास्ट के बारे में बात करें तो उसकी वजह से पीटर और मिचेल को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था और ये सिलसिला अभी भी चल रहा ही होता है। पर फिर भी ये एमी को सुधारने का मौका देते रहते हैं पर एमी पर इसका कुछ असर नहीं होता। इस जगह पर कुछ दिन रहते रहते ही एमी बोर हो जाती है तो वो रात को घर से भागने का प्लान बनाती है और इसके लिए वो अपने स्कूल की एक दोस्त को अपना लोकेशन भेजती है और उसे रात को वहाँ से पिकअप करने को कहती है। सारी प्लानिंग बनाने के बाद रात होते ही जब पीटर और मिचेल सो जाते हैं तब वह घर से भाग जाती है और अपने दोस्तों को भेजी हुई लोकेशन पर जाती है और उनका इंतजार करने लगी है। पर कुछ देर बाद उसे पता लगता है कि उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया है, कोई उसे लेने नहीं आने वाला होता। दरअसल उसके दोस्त भी उस फालतू हरकतों से परेशान हो चुके थे और बस उससे पीछा छुड़ाने का मौका ढूंढ रहे थे। अपने दोस्तों से धोखा खाने के बाद एमी परेशान हो जाती है और हद से ज्यादा नशा कर लेती है और फिर इसी हाल में एक दीवार के ऊपर चढ़ने लगती है और इससे पहले वह गिरती वह किलोई आ जाती है तो एमी के नए घर की पड़ोसी होती है। वो तुरंत एमी को पकड़कर बचा लेती है। अगली सुबह जब उठती है तो वो फिर से अपनी आंखों के सामने किलोई को पाती है। तो किलोई बताती है कि उसके माँ बाप ने उसकी जान बचाने के बदले में उसे उनके घर के केयरटेकर का काम दे दिया है। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं इतने में पीटर और मिचेल वहाँ आ जाते हैं और एमी को रात की हरकतों के कारण डांटने और समझाने लगते हैं। पर हर बार की तरह इस बार भी एमी उनकी बातों को इग्नोर कर देती है और उठकर वहाँ से जंगलों की तरफ भाग जाती है। तो उसे जाता देख किलोई उसके पीछे जाती है उसे रोकने के लिए पर वो किलोई की बात नहीं सुनती और एक लड़के की कार चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। किलोई को भी उसी लिए उस कार में बैठना पड़ता है पर थोड़ी दूर जाने पर कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है जिसके बाद जब ये लोग रुकते हैं तब किलोई उसकी हरकतों पर नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि अगर उसे भागने का इतना ही शौक है तो उसे ये सब फालतू की हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है। वो शहर की तरफ जाते वे किसी बस से भाग और अगर इसमें कोई दिक्कत है तो वो उसमें उसकी मदद करेगी। किलोई को गुस्से में देखकर एमी शांत हो जाती है और वो उसे बस स्टैंड तक ले जाने को कहती है। रास्ते में साथ आते वक्त किलोई एमी से उसकी ये सब करने का कारण पूछती है तो एमी बताती है कि उसके दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया है और रही बात अपने मॉम डैड को परेशान करने की तो ये तो उसके असली माँ बाप नहीं है, उसे गोद लिया गया है, इसी वजह से वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। किलोई को उसके लिए बुरा लगता है जिस वजह से वो उसके जाने से पहले कुछ जरूरी सामान उसे लेकर देती है। पर आखिरी मोमेंट में एमी का इरादा बदल जाता है, वो किलोई की केयरिंग की वजह से भागने का इरादा छोड़ देती है क्योंकि किलोई ने थोड़े वक्त में जितना उसके लिए किया था उतना कभी उसके दोस्तों ने भी उसके लिए नहीं किया था और वैसे भी बाहर जाकर वो करती क्या, किससे मिलती, सारे दोस्तों ने तो उसे छोड़ ही दिया था। की वजह से खुश होकर वापस घर आती है और उसे पहली बार खुश देखकर पीटर और मिचेल को भी अच्छा लगता है और वो लोग किलोई का भी एहसान मानते हैं कि उसकी वजह से होता है। और इतना ही नहीं किलोई के साथ रहते रहते एमी में बदलाव आने लगा है, वो धीरे धीरे पीटर और मिचेल की इज्जत भी करने लगती है। पर एमी के मन में अपने असली माँ बाप को लेकर अभी भी सवाल आते हैं और इस बात से वो थोड़ी परेशान होती है तो किलोई उसे परेशान देखकर उसे एक वेबसाइट के बारे में बताती है जिसके जरिए अनाथ बच्चे अपने असली माँ बाप को करते थे। तो किलोई एमी से एक बार ट्राई करने को कहती है और किस्मत से इनका प्लान काम कर जाता है। उन लोगों के पास एक मेल आती है जिसमें लिखा होता है कि वो एमी के असली माँ बाप है और वो किलोई को ये सब बताती है और फिर दोनों उस मेल को भेजने वाले को एक लोकल बार में मिलने को बुलाते हैं और जब ये लोग अपने दिए हुए टाइम
पर वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, बस उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। दरअसल जब इन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता तब एमी उदास होकर ड्रिंक करने लगती है और तभी वहाँ पुलिस चेकिंग के लिए आ जाती है कि कोई अंडर एज ड्रिंक तो नहीं कर रहा, और ये लोग अंडर एज रहते हैं। और यहाँ एमी को एक और बात पर गुस्सा आ जाता है। जब पुलिस चेकिंग के लिए वहाँ आती है तब किलोए सबसे पहले वहाँ से भागती है अचानक उसे छोड़कर। हालांकि एमी भी बचकर निकल जाती है पर किलोए की इस बात से उसे बुरा लगता है और एमी की परेशानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब वो घर आती है तो उसे एक डिटेक्टिव मिलती है जिसका नाम डेनियल रहता है और वो उससे किलोए के बारे में पूछती है और उससे कहती है कि अगर वो लड़की उसे कहीं दिखे तो वो उससे कॉन्टेक्ट करे क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। और ये सुनकर एमी को बहुत जोर का झटका लगता है कि ये अभी और उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या सुना उस डिटेक्टिव से। उस डिटेक्टिव के जाने के बाद एमी से रहा नहीं जाता तो वो तुरंत किलोए से मिलने चली जाती है, पर उसे घर पहुंचकर उसे और भी ज्यादा शॉक्ड लगता है क्योंकि वो जिस किलोए को ढूंढ रही थी वो उस घर में नहीं रहती क्योंकि वो कभी उसके घर नहीं गई। और किलोए ने उसे यहाँ घर का एड्रेस बताया था कि वो उसी घर में रहती है। ये सब देखकर एमी सदमे में आ जाती है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि वह इतने दिनों से जिससे मिल रही थी और जिससे अपना दोस्त मानती आ रही है वो असल में है कौन। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी किलोए अचानक वहाँ आ जाती है और उससे माफी मांगने लगती है कि उसने उसे अचानक छोड़ दिया। तो एमी उसकी सारी बात को इग्नोर करके उससे सीधा पूछ देती है कि वह कौन है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वह असली किलोए नहीं है। एमी के बात सुनकर कोई किलोए पहले थोड़ा सा परेशान होती है पर थोड़ी देर बाद वो उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाती है जो एकदम जंगलों के बीच में रहता है। वो वहाँ पहुँच कर किलोए एमी से कहती है कि वही रहती है और वो उसकी तरह एक अनाथी, पर अब उसे पता चल चुका है कि उसके असली माँ बाप पीटर और मिचेल है और इसलिए वो उनके करीब आई है और उसने वो वेबसाइट का ड्रामा किया था ताकि वो उसे पीटर और मिचेल से दूर कर सके। किलोए की बात सुनकर एमी को उस पर यकीन नहीं होता और उसकी हरकतों की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है तो वहाँ से जाने लगती है और उससे कहती है कि वो उसकी असलियत सबको बता देगी। पर वो जैसे ही अपनी कार के पास पहुँचती है तो किलोए पीछे से आकर उसे मार देती है जिससे एमी बेहोश हो जाती है और फिर पूरी साइको की तरह रिएक्ट करने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर यहाँ से वह सीधे एमी घर जाती है। वो पूरे घर को ठीक वैसा ही गंदा कर देती है जैसे पिछली बार एमी जब घर से भागी थी तब उसने किया था, ताकि पीटर और मिचेल को ये लगे कि एमी फिर से भाग गई है। और ठीक ऐसा ही होता है। पीटर और मिचेल जब घर आते हैं तो घर की हालत देखकर उन्हें लगता है कि एमी वापस से भाग गई है और फिर वो किलोए अपना दूसरा गेम खेलती है। पीटर और मिचेल से आकर ये कहती है कि उसने एमी को जंगल में जाते देखा है और वो बहुत नशे में थी और ये सब वो इसलिए करती है ताकि जब फैमिली को सच पता है तो ये लोग उसकी बातों पर यकीन ना करे और उन्हें यही लगे कि एमी खुद को बचाने के लिए किलोए को फंसा रही है। अपनी बातों में फंसा कर किलोए पीटर और मिचेल को अपने साथ वहाँ लेकर जाती है जहाँ उसने एमी को छोड़ा था। वहाँ पहुँच कर वह देखती है कि एमी वहाँ से भाग चुकी है। एमी को वह ना पाकर टेंशन में आ जाती है कि कहीं उसका गेम बर्बाद तो नहीं हो गया। पर तभी से एमी का फोन वहाँ गिरा हुआ मिल जाता है जिसका फायदा उठाकर किलोए एमी के फोन से खुद को मैसेज करती है वो ठीक है और पीटर और मिचेल उसे ना ढूंढे। और फिर ये मैसेज वो पीटर और मिचेल को दिखाती है और उन्हें छोड़कर जल्दी से उनके घर भागती है क्योंकि उसे अंदाजा था कि एमी भागकर वापस घर जाएगी और ऐसा ही होता है। घर पर एमी से मिल जाती है जिसके बाद उसे पकड़कर टॉर्चर करने की कोशिश करती है कि वह उसकी बात किसी के सामने ना करे, पर एमी उसे वापस लड़ती है और किसी तरह खुद को बचाकर वापस जंगलों में भाग जाती है। पर किलोए उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो दूसरा प्लान बनाती है। जब वह देखती है कि एमी उसके हाथों से निकल गई है तो वो अपने हाथ खुद काट लेती है और फिर पीटर और मिचेल के पास पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि एमी ने उसके साथ ऐसा किया है। किलोए के जख्मों को देखकर पीटर और मिचेल को बहुत बुरा लगता है और वो उससे माफी मांगते हैं क्योंकि बच्ची की वजह से उसे ये सब झेलना पड़ रहा है। और जैसे ही ये
लोग परेशान होते हैं तो वो एक और गेम खेलती है। वही उनसे कहती है कि वह इनके लिए इतना तो कर ही सकती है क्योंकि वह उनकी असली बेटी है जिसे उन्होंने बचपन में हॉस्पिटल वालों की गलती से खो दिया था, और ये कहकर वो उन्हें पूरी तरह से अपनी साइड कर लेती है। पर दूसरी तरफ एमी भी हार नहीं मानती, वो किसी तरह डिटेक्टिव को कॉल करके बुला लेती है और फिर उन्हें लेकर अपने घर आ जाती है, जिसके बाद डेनियल पीटर और मिचेल को सारी सच्चाई बता देती है कि गिलोय उनकी बेटी है और वह एक पागल है। तो उसकी सच्चाई बताकर डेनियल उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है, पर गिलोय सब चीजों से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे अपनी बनाई कहानियां सच्ची लगती है, जिस वजह से अपनी कहानी को बचाने के लिए गिलोय डिटेक्टिव को चाकू मार देती है। और ये देखकर पीटर जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह गलती से पीटर को भी चाकू मार देती है। गिलोय के पागलपन को देखकर एमी और मिचेल जल्दी से पीटर को उठाकर घर ले जाते हैं, पर गिलोय और ज्यादा पागल हो जाती है। उसके सिर पर बस सबको खत्म करने का भूत सवार रहता है, जिससे वो डेनियल को पूरा खत्म करने के बाद इन तीनों को मारने घर पहुंच जाती है। तो आखिर में एमी से सहा नहीं जाता और उसे गुस्सा आता है। अपने परिवार को बचाने के लिए वह सीधा गिलोय से लड़ने जाती है और किसी तरह उसका चाकू ही उसे मार देती है। और फिर मिचेल और एमी दोनों मिलकर पीटर को हॉस्पिटल ले जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है।